यहां पर मान लीजिए कि आपने ले लिया सनलाइट, एच नू का मतलब यह कोई भी रेडिएंट एनर्जी है, यह सनलाइट है, और यहां पर आपने Cl2 लिया, इसका मतलब यह हो रहा है कि मीथेन का क्लोरीनेशन हो रहा है। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन बाहर हो जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जो निकल रहा है उसको तो मैं नीचे यहां पर माइनस करके लिख रहा हूं, HCl रिमूव हो गया और इसने यहां पर बनाया CH3Cl, तो मीथेन से मिला मिथाइल क्लोराइड। अब यदि इस मिथाइल क्लोराइड को आप मिथाइल एल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर क्या करते हैं, KOH एक्वस, यानी कि जो पानी में घुला हुआ हो, एक्वस KOH का काम क्या होता है कि ये पोटाशियम, ये क्लोरीन बाहर और ये OH यहां पर जाएगा, यानी कि यहां से निकला KCl और आपको मिला CH3 और OH, एल्कोहल तैयार हो गया। अब एल्कोहल का यदि आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसे एक ऑक्सीजन देना, तो इसमें से एक वाटर निकल जाएंगे H2O और आपको मिलता है HC OH, यानी कि आपको यहां पर मिला एल्डिहाइड। समझ में आया क्या, सबको दिखाई पड़ रहा है? Yes, अभी तक मैंने यहां पर कहीं भी कार्बन इंक्रीज नहीं किया है, मैं अब ये चाह रहा हूं कि जो एक कार्बन है इससे दो कार्बन बन जाए। अब एक कार्बन से दो कार्बन बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि एक का डबल क्या होता है, दो ही होता है, और डबल बनाने के लिए आप उर्ज रिएक्शन यूज करते हैं, तो एक से दो हो रहा है तो यहां पर एक ही ज्यादा हो रहा है ना, और एक ज्यादा बढ़ाने के लिए आप KCl भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर दो अलग अलग रास्ते से चल रहा हूं, एक तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओट्ज रिएक्शन। अब यहां पर यदि आपने ओट्ज रिएक्शन लिखा तो ओट्ज रिएक्शन का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे ऐसे आपके पास दो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हैलाइड है, जो कि दो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और वहां पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको CH3CH3। यहां तक समझ में आया क्या? और एक तरीका आपके पास है कि यदि आप यहां पर KCN का यूज करते हैं तो यह Cl और यह KCl बनकर के बाहर निकलेगा, यहां से KCl के रूप में यह आउट हुआ और आपको यहां पर मिलता है CH3 और CN। मैंने कहा था C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब आपको यह पता है कि जब CN कहीं भी होगा तो यहां पर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। यदि आपने यहां पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया H2O, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा था फोन वाला FON, दोबारा मैं लिख देता हूं, और फिर मैंने यहां पर लिखा था CS। थोड़ी देर के बाद इसे मैं यहां से हटा दूंगा जब हमें जगह की कमी होगी,
एक बार आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। अब जो कल प्रेजेंट थे बच्चे, वो मुझे बताएंगे कि जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बने। अब जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे या कल नहीं समझ में आया, वो इस बात को समझ लें। एक्चुअली यहां पर क्या है कि कार्बन, मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा करके लिख रहा हूं, यहां पर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यह रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। अब इन दोनों के बीच में बंटवारा होगा कि कौन ऑक्सीजन लेगा और कौन हाइड्रोजन लेगा। मैंने यहां पर कहा था कि यदि आप कार्बन के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप इस चेन में एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस देख लें और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस देखें। जहां पर डिफरेंस आपको ज्यादा नजर आए वहां पर वह उसके साथ कंबाइन करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहां पर डिफरेंस ज्यादा है देन कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया, ये अपना दो बॉन्ड ब्रेक किया, इन दोनों के बीच वाला बॉन्ड, कार्बन के यहां पर दो बॉन्ड फ्री हो गए और इसके साथ ये ऑक्सीजन यहां पर आ गया। इन दोनों बॉन्ड्स के ब्रेक होने से नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड फ्री हो गए। अब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस देखेंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस ये है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस ये है, और जो डिफरेंस ज्यादा होगा उसी के साथ जुड़ेगा। तो अब बताइए नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर नाइट्रोजन के दो बॉन्ड्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, और यदि यहां पर CH3 है तो आप यहां पर CH3 लिखेंगे। तो देखिए यही चीज यहां पर मैंने लिखा है, क्या अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका नाम भी साथ के साथ, यह दो कार्बन है तो क्या हो गया, इथाइल हो गया। ठीक है, तो इसे इथेनामाइड भी कह सकते हैं, एमाइड ग्रुप होता है, इथेनामाइड होगा। अब आगे यदि यहां पर अब दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जब दोबारा आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो फिर देख लेते हैं, अब यह इसके साथ रिएक्ट करेगा, अब यह इसके साथ रिएक्ट करेगा, और अब भी नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि मुझे हाइड्रोजन मिल जाए। तो यह नाइट्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन लेकर के इससे टूट करके अलग हो जाएगा और यह यहां पर हाइड्रोजन जोड़ लेगा और क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, क्या अमोनिया बन करके ये बाहर हो जाएगा, ये यहां से आउट हो गया। अब यहां पर H2O में से एक H गया तो OH बचा और ये OH यहां पर आ जाएगा। तो जो टूट करके अलग हो गया इसे तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो बचा आपने लिखा यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपको क्या मिला, इथेनोइक एसिड। ये क्या मिला, इथेनोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन है तो इथ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो नाम बना इसका इथेनोइक एसिड। चलिए उसको मैं यहीं पर रोक लेता हूं। अब यहां पर एक कार्बन से दो कार्बन बना, ठीक है, अब यहां पर आप क्या करते हैं, हो सकता है
कि आपने यहां पर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कर दिया, यानी कि आपने एच नू और सीएल दिया। देखिए जो काम हमने यहां पर किया था वही काम अब इसके साथ करने जा रहे हैं क्या? यदि यहां पर हमने एच नू और सीएल टू लिया था तो क्या बनाया था? सी एच थ्री सी एल बनाया था। यदि इसके साथ हम यही काम कर दें तो बताइए अब यह क्या बनाएगा? दिमाग लगाइए, जो काम आपने यहां पर किया था वही काम आपको यहां पर भी करना है। हाँ बोलिए, क्या लिखेंगे? C2H5Cl। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इसमें से एक ही हाइड्रोजन बाहर निकला था ना, और जहां से हाइड्रोजन बाहर निकला था वहां पर एक क्लोरीन आ गया था। तो जो हमारे पास ये पूरा फिगर है CH3CH3, तो इसे आप C2H6 भी तो लिख सकते हैं। और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन बाहर कर लिया तो क्या बचा? C2H5 बचा। और जो वो जगह खाली हुआ वहां पर आपने क्या लगाया? Cl लगाया। तो इसका मतलब यहां से भी एक HCl निकला होगा और यहां पर CH3 CH2 और Cl मिला होगा क्या? ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इतनी ही बात बार बार घुमा करके लिखना है। अब यहां पर आपने ले लिया KOH एल्कोहलिक। देखिए थोड़ी देर पहले आपने KOH एक्वस लिया था और यहां पर आपने KOH एल्कोहलिक लिया है। अब यह जो KOH एल्कोहलिक है तो यह KOH एल्कोहलिक का क्या काम है जरा याद कीजिए। एल्कोहलिक KOH का क्या काम है? हाइड्रोजन एंड हाइलोजन दोनों को रिमूव करना। यदि KOH एल्कोहलिक हो तो ये हाइड्रोजन एंड हाइलोजन दोनों को रिमूव करता है, जिसे कहा जाता है डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो जहां भी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा वहां पर एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन कौन है? ये क्लोरीन है भाई, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा। तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा उसके ठीक साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इस कार्बन का क्लोरीन भी निकल जाए और इसी कार्बन का हाइड्रोजन भी निकले। यदि क्लोरीन इस कार्बन का निकल रहा है तो हाइड्रोजन इस कार्बन का निकलेगा। अब एक बात यहां पर और जानिए, जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो या कोई हाइड्रोजन लगा हुआ हो इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। बिल्कुल शुरू शुरू मैंने पढ़ाया था। और अल्फा कार्बन के ठीक साथ में जो लगा हुआ है इसे क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर आप इसे यह भी कह सकते हैं डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो अब देखो यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा? CH2 बचा क्या? और यहां से क्लोरीन निकल गया तो यहां भी क्या बचा? CH2 बचा। तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, और जब दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री होंगे तो यहां पर क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा।
तो यह एल्केन से किसमें बदल गया, एल्किन में बदला। यह एल्केन से किसमें बदला, एल्किन में बदल गया। अब दीपक यह बोल रहा है कि नहीं जी मुझे तो एल्काइन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं एल्काइन बना देते हैं, लेकिन एल्काइन बनाने के लिए भी पहले आपको यहां पर ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा। अब यहां पर आपने Br2 ले लिया और थोड़ा आपने हीट कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों ब्रोमीन इस बॉन्ड को तोड़ करके एक ब्रोमीन इसके पास जाएगा, एक ब्रोमीन इसके पास जाएगा। ब्रोमीन का ऐड होना ब्रोमिनेशन कहलाता है। और याद कीजिए मैंने कहा था कि जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन का मतलब क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू ईच अदर, आफ्टर कॉम्बिनेशन इट फॉर्म्स सिंगल ए बिग मॉलिक्यूल। भाई जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे मॉलिकल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वह एक बड़ा मॉलिकल बना ले तो उसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है, सभी जुड़ते हैं, अलग कोई नहीं होता है। तो अभी ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनाएगा तो वह एडिशन प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर एडिशन रिएक्शन होगा और यह बनाएगा Br और यहां भी CH2 और Br। यहां तक समझ में आया क्या? तो दीपक ने कहा कि जी अभी एल्किन तो बना ही नहीं, अब बन जाएगा, क्या करेंगे, यहां से ये दोनों ब्रोमीन को हटा दीजिए और जब ब्रोमीन हटेगा तो साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगा, जब ब्रोमीन हटेगा तो हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। ब्रोमीन यहां पर क्या है, हाइलोजन, साथ में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। और डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवाना किसका काम है, किस KOH का, थैंक यू, एल्कोहलिक KOH का। अब जितने Br निकलेंगे उतने KOH यूज होंगे, तो कितने Br यहां से निकलने वाले हैं, दो, तो हमें यहां पर 2KOH की जरूरत होगी। चलिए यहां से आपने 2KOH एल्कोहलिक लिया, ये ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन बाहर, ये ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन बाहर, तो बताओ भाई यदि दोनों ब्रोमीन निकल गया, दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकला, तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन बचा, यहां पर बचा एक और यहां भी बचा एक। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हुआ क्या, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया। रुक जाओ अभी नहीं, यहां तक समझ में आया क्या, अभी इसको हम लोग एरोमेटिक में भी बदलने वाले हैं, चिंता ना करें, जब तक वहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक फोटो नहीं खींचने हैं। आज फाइनल टच दे रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +1 का। जरा खुद बताएंगे आप लोग, यहां पर रेड हॉट आयरन आपने लिया, थैंक यू, रेड हॉट आयरन के ऊपर से यदि इससे आप क्रॉस करा देंगे तो क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा क्या। तो चलो भाई
यहां पर मिला आपको बेंजीन, बेंजीन तैयार हो गया। अच्छा, यदि बेंजीन और यहां पर Cl2 आपने ले लिया, मैं यहां पर यह चाह रहा हूं कि यह क्लोरीन इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए, तो हमें यहां पर और क्या लेना होगा? जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने चाहा कि क्लोरीन यहां पर जुड़े, यहां पर इसका क्लोरीनेशन हो, तो क्लोरीनेशन कराने के लिए आपने यहां पर लिया था सनलाइट या रेडिएंट एनर्जी। ठीक उसी तरीके से यदि किसी बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन करवाना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या चीज लेना पड़ेगा? नहीं, सनलाइट नहीं ले सकते। याद करो, रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। रिंग के साथ कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज? बिल्कुल सही है, AlCl3, क्योंकि उसी का काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाना। यह सब चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, केवल रिकॉल करवाना है। भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अभी आप लोग जवानी की दहलीज पर है और भूल जाइएगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा? हाँ, तो यहां पर आपने लिखा AlCl3। अच्छा, कौन सा AlCl3 लेना भाई? नहीं, एनहाइड्रस। हमें कौन सा लेना है? एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। तो अब बताइए, एनहाइड्रस AlCl3 इस क्लोरीन का क्या करने वाला है? यह इसको तोड़ेगा, एक को बनाएगा पॉजिटिव और एक को बनाएगा निगेटिव। जो पॉजिटिव बनेगा वह जुड़ेगा रिंग के साथ, जो निगेटिव बनेगा वह HCl बनकर के आउट हो जाएगा। तो यहां से आपने HCl बाहर किया और क्लोरोबेंजीन मिला क्या? ठीक है, जा रहे हैं? अभी तो मैंने शुरू ही किया था। ठीक है, जाइए। हाँ, अब देखो, अब शुरुआत है। अब यहां पर आपने ले लिया NaOH, देखो मैंने यहां पर NaOH लिया है और NaOH मैंने यहां भी लिया है। चाहे NaOH ले लीजिए एक्वस या KOH ले लीजिए एक्वस, दोनों का एक ही काम होता है। क्या काम होता है? कि यह जो मेटल होता है यह हाइड्रोजन को लेकर के बाहर और इसके साथ ये OH जुड़ जाता है CH3 और OH यहां पर जुड़ जाता है। समझ में आया क्या? लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि यही काम ये यहां पर करे तो ये काम यहां पर यह करने वाला नहीं है। यहां पर क्या होगा? ये Cl और ये H, HCl बनकर के बाहर और यह बनाएगा O N A और यहां पर बेंजीन रिंग। ये खास आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है।
ऐसा क्यों होता है कि यहां पर जो हमारे पास था CH3Cl था क्या, ये वाला चीज ऐसे होता है, और जो ये वाला चीज है ये देखिए दिखने में कैसा लगता है, यह दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है। यहां पर जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। यहां पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ बोलिए, बिल्कुल सही, sp2। कैसे पता लगा भाई? थैंक यू, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। किसी भी कार्बन के पास यदि डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और यह कौन सा कार्बन है? यह sp3 है, यानी कि जिस कार्बन के पास सबके सब सिंगल बॉन्ड हो वह कार्बन sp3 होता है। समझ में आया क्या? जिस कार्बन के सराउंडिंग में, याद रखना, जिस कार्बन के सराउंडिंग में सबके सब सिंगल बॉन्ड हो तो यह कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है। जिस कार्बन के सराउंडिंग में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है। जिस कार्बन के सराउंडिंग में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो या तो दो डबल बॉन्ड हो तो ये दोनों यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो इससे हमें इसके हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो इसके बॉन्ड की लंबाई छोटी हो जाएगी, और जिसके बॉन्ड की लंबाई छोटी होती है वह कम रिएक्टिव होता है, और जिसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा हो वह अधिक रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और यह कम रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्ट करके इस तरीके से बनाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो रिएक्ट करके इस तरीके से बनाएगा। अब तो याद रहेगा। यहां पर क्या है, अब आपने क्या किया, इसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। आपने किसके साथ रिएक्ट कराया? डाइल्यूट HCl के साथ। और यह जो Cl है इसको मेटल नजर आया और NaCl बन करके बाहर, और अब यहां पर क्या लगेगा? OH ग्रुप। बताइए इसका क्या नाम होगा? फिनॉल होगा। अब इसने क्या बना लिया? फिनॉल बना लिया क्या? फिनॉल बन गया। अच्छा एक और छोटी सी कहानी, ये जो फिनॉल है इस फिनॉल को जिंक के साथ आपने हीट कर दिया, ये जिंक पाउडर है, जिंक डस्ट है। याद करो क्या बनाएगा, जिंक का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करना, और यदि यहां से ये ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बनेगा। बेंजीन के प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वही रिएक्शन सारे हम यहां पर यूज कर रहा हूं। और ये देखो कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया क्या? बेंजीन बन गया। अच्छा एक काम कर लो, यदि मान लीजिए इसी बेंजीन को, यही जो बेंजीन है,
HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दी है, ये दोनों कंसंट्रेट है। तो HNO3 का क्या काम होता है? HNO3 का कुछ मैंने काम बताया था क्या? क्या जोड़ता है? NO2 जोड़ता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि बेंजीन रिंग के साथ यह NO2 जोड़ देगा, क्या क्या बना? नाइट्रो बेंजीन बना, और यहां से H2O निकला होगा, वो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, यदि इसका हम रिडक्शन करवा दें, कंप्लीट रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यदि दो हाइड्रो ऑक्सीजन है तो कितने वाटर निकलेंगे? दो वाटर निकलेंगे, 2H2O निकल जाएंगे। और जब यहां से दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो नाइट्रोजन के दो बॉन्ड फ्री होंगे, तो दो हाइड्रोजन और चाहिए। तो यहां पर NH2 बन जाएगा, क्या यहां तक समझ में आया? अच्छा, वो रिडक्शन मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैंने लिख दिया रिडक्शन। तो यहां पर 2H2O निकल गया। इसका नाम क्या होगा भाई, जरा बताना? तो एनिलीन, और इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, जरा एक चीज और बता, आइए, स्वागत है। चलो फोटो खींच लो, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ जा रहे, लिख सकते थे। आप कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस एक बार इतना कीजिए, बहुत हो गया। Thank you.